नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब का भंडार। दोस्तों आज बहुत ही अच्छी भर्ती है, जिला न्यायालय नारनौल चपरासी के पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों आपको मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और फिर मैं आपको इस विज्ञप्ति के माध्यम से पूरा डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। रोजगार सूचना: सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला सत्र न्यायालय नारनौल 13 चपरासी प्यून चौकीदार एड प्यून के पूर्णतः अस्थायी रिक्त पदों पर वेतन 16,900 से लेकर 53,500। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ दोस्तों पदों की संख्या की बात करूँ तो इसके अंदर कुल 13 पद हैं। SC A के 13, BA BC A के 2, BC B1 का 1, ESM का कोई रिक्रूट पद नहीं है और UR का 7 रिक्त पद है। दोस्तों जनरल के 7 पद हैं। पद का नाम दोस्तों चपरासी चतुर्थ श्रेणी। योग्यता की बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर 8वीं पास रखा गया है और उम्मीदवार आयु की गणना दिनांक 1/12/2000 को 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों 1 दिसंबर को आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 42 वर्ष। इसी के साथ दोस्तों आपको इस आवेदन शुल्क नहीं मांगा गया है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है और इसी के साथ मूल्यांकन अनुभव वर्क एफिशिएंसी स्किल एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों आपको मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगा, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि, दोस्तों इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 4/1/2020, 4 जनवरी 2020 है। साक्षात दोस्तों इसकी इंटरव्यू की डेट पहले ही दे दी गई है तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँ इंटरव्यू की डेट की, क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला है। दोस्तों ABCDEF के नाम के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू 13/1/2020 को होने वाला है, प्रातः 11:30 बजे 11:30 पे। इसके बाद GHIJKL वालों के जो कैंडिडेट नेम जिस इन अक्षर के जो नेम के कैंडिडेट हैं उनका 14 तारीख को होने वाला है और MNOPQ नाम के जो कैंडिडेट हैं उनका 15 तारीख को होने वाला है। R&S के जो कैंडिडेट हैं उनका 16 तारीख को। TUVWXYZ के कैंडिडेट हैं उनका 17 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। इनके आधार पर आपका इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपको कोई अलग से कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, दोस्तों आपको खुद को ही आना है इस डेट पे। आवेदन कैसे करें: योग्य उम्मीदवार इच्छुक उपरोक्त रिक्त पदों के आवेदकों के लिए एक सफ़ेद कागज़। दोस्तों मैं इसका जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसकी विज्ञप्ति के माध्यम से आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। दोस्तों ये इसकी विज्ञप्ति इसके माध्यम से आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। आपको इस पते पर फॉर्म भेजना है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड सेशन कोर्ट नारनौल 12300 हरियाणा के पते पर आपको यह फॉर्म भेजना है। इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं दोस्तों: 8वीं का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वृक्ष है तो। इसी के साथ दोस्तों आपको एक स्वयं का पता लिफाफा जिस पर 6 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए और इसी के साथ आधार कार्ड या वोटर कार्ड की प्रतिलिपि आपको साथ में लगानी है। एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी आपको इसके साथ में लगाना है। आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्योन, दोस्तों आपको इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जैसे प्योन है आपको प्योन लिखना है। इसी के साथ आपको अपनी कैटेगरी जनरल OBC SC ST जैसी भी कैटेगरी से आप आते हैं वह इसके साथ डाल देना है। फिर आपको दोस्तों सभी कॉलम बड़े स्पष्ट अक्षरों में भरने हैं। दोस्तों मैंने साक्षात्कार की इंटरव्यू की आपको डिटेल दे दी है पहले ही। इसी के साथ दोस्तों आगे की जानकारी इसके अंदर दोस्तों आपको कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है साक्षात के लिए आवेदक को कोई कॉल लेटर ID प्रूफ दस्तावेज की मूल प्रतियां साथ लेकर आएँ, आपको कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको पद सामान्य SC और आपको जैसी भी डिटेल चाहिए आप मैं इसका जो PDF नोटिफिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें और आप वहां से भी पढ़ सकते हैं उसको पूरा।
तो दोस्तों आपको किस पते पर जाना है इंटरव्यू के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको न्यू लिटिगेंट हॉल जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारनौल के पते पर आपको जाना है, वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद आपको बताया जाएगा कि किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आपको अगर कोई और अन्य जानकारी चाहिए, तो दोस्तों मैं इसके अंदर पदों की बात करूँ तो रिक्त 13 पदों पर भर्ती होनी है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।